छिंदवाड़ा में कोविड 19 कर्मचारी संगठन ने भाजपा के पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा और कहा कि जिन लोगों ने कोरोना के भीषण संकट में जिले में कार्य किया आज उन्हें हटाया जा रहा है। कर्मचारी संगठन ने अपनी मांग रखी कि जब देश में कोरोना काल की विषम परिस्थिति थी, सब एक दूसरे से दूर भागते थे, उस परिस्थितियों में भी आयुष्मान के डॉक्टर्स नर्स ने ब्लड जांच के लिए अनियमित रूप से रखा गया था, पर आज कोरोना काल का ग्राफ गिरने पर इन डॉक्टर्स नर्स को बाहर निकाला जा रहा है, जिससे परिवार की स्थिति दयनीय हो जाएगी, परिवार को पालन पोषण के लिए आर्थिक संकट आ जाएगा। इसलिए मुख्यमंत्री से मांग है कि इन लोगों के कार्य को देखते हुए इन्हें वापस नौकरी में रखा जाए। 10/2020 को छिंदवाड़ा जिले के समस्त कोविड स्टाफ, जिसके अंतर्गत हमारे बीच में उपस्थित छिंदवाड़ा जिले के जितने भी ब्लॉक लेवल के स्टाफ है, यहाँ पे माननीय पूर्व विधायक ताराचंद बावरी जी से मुलाकात कर जिले की कोविड स्टाफ की आगामी जो समस्या है, जिसमें 27 तारीख को एक ऑर्डर निकाला गया NHM भोपाल द्वारा, जिसमें हमें मात्र एक महीने का एक्सटेंशन दिया गया। वर्तमान हमारी स्थिति यह है कि अगर हम 8 महीने कंटिन्यू लोगों की सेवा करने के बाद रोजगार से विमुक्त हो जाते हैं तो हमारे सामने बहुत विकट परिस्थिति होगी। तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से एक ही अपेक्षा है कि हमारे द्वारा जितने लोगों को मानव संसाधन में सहयोग दिया गया है, उसको आगे ध्यान रखते हुए हमारे स्टाफ को नियोजित करने का या समायोजित करने का एक प्रयास जारी करके हमें इस चीज़ का सहयोग करें। और विगत मार्च के महीने से पूरे देश में इस महामारी से सही स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, उसके लिए स्टाफ नर्सेस, ANM और कुछ डॉक्टर्स को भी इस ड्यूटी में शासन द्वारा लगाया गया था, लेकिन इनको अब एक माह बाद शायद बंद करने का चल रहा है। ऐसे समय में इन 8 महीनों में इन लोगों ने मानव सेवा की है, तब परिवार के लोग भी COVID-19 संक्रमित व्यक्ति की मदद करने में असमर्थ होते थे और बहुत परहेज करके जीवन यापन हुआ इस 8 महीनों में, और ये लोग आज हमारे पास आए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करके आगे इनको इसी विभाग में किसी न किसी रूप में स्थायी रूप से काम मिल सके। बोले 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे। हम छोटे किसानों ने किस्त जमा करना बंद कर दिया, विश्वास था, बोला है तो करेंगे। ऋण माफी का प्रमाण पत्र भी दिया, 10 दिन नहीं तो 10 महीने में तो हो ही जाएगा, पर हुआ कुछ नहीं। बैंकों ने डिफाल्टर कर दिया, दंड ब्याज लगाया। पैसा जमा करो, कहीं से भी लाओ, साहूकार ने 3% मांगा, नहीं भरा तो कुड़की होगी। बाप दादा की जमीन लग गई दाव पे, पकड़ी उछल गई गांव में। इतना बड़ा धोखा, लाखों किसानों की बलि चढ़ा दी अपने लालच में। किसान को कर्जा माफी से ठग लिए, जे पाप किया है तुमने, जवाब तो देना पड़ेगा। इस बात का जवाब है आपका वोट। 3 नवंबर को मतदान अवश्य करें, भाजपा को वोट दें। भैया, रमेश भैया आए, खेत की बखंडी कर दी है, ट्रैक्टर का किराया देना है। तेरी भाभी को बोल दे। भाभी, भाभी, वो ये लो भैया, सुनार के यहाँ रख कर दे दो पैसे। ओ भोली भाली, गिरवी रख के नहीं चुकाने हैं, जेब से निकाल कर देने हैं। किसान निधि शिवराज ने 4,000 बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिए। अब छोटे मोटे खर्चों के लिए कर्ज का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। हाँ भाभी, जब जब जरूरत होती है ना, तो विश्वास रहता है कि एक शिवराज है जो हमेशा साथ है। शिवराज है तो विश्वास है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।